हेलो दोस्तों, मैं फिर एक बार क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के साथ। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर कंपटीशन में, हर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई एग्जामिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन क्लास 12th ऑल्सो इट इज प्लेइंग अ वेरी गुड रोल। So the fundamentals of thermodynamics must be clear to all. In last video जो आपने देखी होगी, हमने एंथैल्पी के बारे में बात की। आपने उस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया होगा, नहीं किया तो जरूर करें और इस वीडियो को तो अभी कर दें। देखो जरा, हाँ करो, फिर आगे चलते हैं। ओके, करिए, थैंक यू। टुडे वी विल स्टार्टिंग आवर टॉपिक विद, वी हैव टू डू द प्रूफ ऑफ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी प्लस डेल्टा एनजीआरटी। यहां आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, डेल्टा एनजी का मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। केवल गैस के मोल में चेंज देखना है और कैसे देखेंगे, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स में से रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन वी विल गेट डेल्टा एनजी। फॉर दैट टू डिराइव दिस इक्वेशन we are starting with the basic equation H is equal to U plus PV। जैसा हमने डिस्कस भी किया था, एंथैल्पी की डेफिनेशन हुई, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। डिफ्रेंशिएट करेंगे, H का डिफ्रेंशिएशन डेल्टा H, डेल्टा U। यहां चूंकि दो वेरिएबल है, पहले P को कांस्टेंट रखा और डेल्टा V देखा, V में चेंज देखा तो डेल्टा V, सेकेंड टाइम V को कांस्टेंट रखा और प्रेशर में चेंज देखा, सो V डेल्टा P मिल का। और हम सब जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया, एंथैल्पी इज ऑलवेज कैलकुलेट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जब भाई प्रेशर ही कांस्टेंट हो जाएगा तो चेंज इन प्रेशर विल बी जीरो, सो वी डेल्टा पी विल ऑल्सो बी जीरो। ओके, तो यहां वी डेल्टा पी को जब जीरो रखेंगे देन वी विल हैव द इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, जो हमने लास्ट इक्वेशन में भी किया था। लेकिन माइंड इट, अगर ये प्रूव करना आता है तो हमको इस बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। इन डेरिवेशंस एवरी स्टेप कैरी सम मार्क्स। नाउ वी विल कंसीडर द एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो लॉ में कहा गया, एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो अगर एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो नेचुरली टू मोल्स ऑफ गैस विल हैव 44.8। इसी फंडामेंटल को यहां हम अप्लाई कर रहे हैं, एन वन मोल ऑफ गैस विल हैव वी वन वॉल्यूम, एन टू मोल ऑफ गैस विल हैव वी टू वॉल्यूम। दोनों का डिफरेंस ले लें, एन टू माइनस एन वन, केवल गैस के लेने माइंडेड, इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल विल इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। और इस कंसेप्ट को, इस इक्वेशन को आइडियल गैस की इक्वेशन में रखेंगे, विच वी नो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी की जगह रखा डेल्टा वी और एन की जगह डेल्टा एन जी।
यानी कि P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, P डेल्टा V की जगह आ जाएगा डेल्टा एन जी आर टी, दैट मीन वी विल गेट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो इक्वेशन प्रूव हो गई, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कहां से स्टार्ट करनी है, H इज इक्वल टू यू पी यू प्लस पीवी से स्टार्ट करनी है, V डेल्टा P को जीरो करके P डेल्टा V लाना है केवल, फिर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू डेल्टा V की वैल्यू को आइडियल गैस में रखेंगे और फिर डेल्टा एन जी आर टी को P डेल्टा V की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारा प्रूव हुआ। अब जल्दी से जरा सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। मीन टाइम रिमेन कूल और जल्दी से शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, किया सबने? यस, डू कंटिन्यू इट एंड आई विल ब्रिंग यू द न्यू एंड न्यू वीडियोस फॉर यू। नाउ इस क्वेश्चन इस इक्वेशन के बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा यू नॉट। डेल्टा एच नॉट का मतलब चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी और डेल्टा यू नॉट का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज। 27 डिग्री सेल्सियस पर H2S गैस को बर्न किया गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बना। मैंने पहले भी कहा था हो सकता है वो इक्वेशन दे हो सकता है ना दे, तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। H2S को जब O2 के साथ बर्न किया तो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे। अगर ऑक्सीजन इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले उसको बैलेंस कर लीजिए। हाँ, भूलिए मत, बैलेंस करना मत भूलिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा एच एफ नॉट आर गिवन, एफ यहां हमने सबस्क्रिप्ट में लिया है, इसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए गिब्स फ्री एंथैल्पी चेंज है। ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है। H2S के लिए -20, वाटर के लिए जो कि लिक्विड है -286, SO2 के लिए -296। फॉर्मूला वही जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लास्ट वीडियो में था, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। रिएक्शन के ये दोनों प्रोडक्ट है और ये दोनों रिएक्टेंट, हमने रिएक्टेंट रखा प्रोडक्ट रखा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रखे, दो वाटर मॉलिक्यूल दो SO2 मॉलिक्यूल -2 × H2S + 3O। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में खूब आते हैं, सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड्स में, दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वही क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, जिनसे हम फर्दर क्वेश्चंस बड़े इजीली कर सकते हैं। वाटर के लिए डेल्टा एच की वैल्यू रखी -286, SO2 के लिए -296 एज इट इज गिवन, H2S के लिए रखी -20, 2 मोल्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये आ गई डायटोमिक गैस O2, डायटोमिक गैस की एंथैल्पी चेंज 0, O2 N2 CN2 इन सब की एंथैल्पी चेंज 0। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट -1204 अप्रोक्सीमेटली किलो जूल पर मोल। नाउ आवर टारगेट इज टू फाउंड डेल्टा U। आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो किया ही होगा, नहीं किया है तो अभी भी करिए। फिर हम निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टैंडर्ड, यू नॉट लगा दो, पूरी इक्वेशन स्टैंडर्ड में बदल जाएगी। यस, इक्वेशन यूज करेंगे डेल्टा यू के लिए जो अभी अभी हमने डराइव की, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी को लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए तो डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एनजीआरटी। पहले गैसियस
स्टेट्स में नंबर ऑफ मोल्स में चेंज को देख लेते हैं। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, ये लिक्विड है इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, वाटर को, ये 2 मोल हुए SO2 गैस 2। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, H2S और O2 बोथ आर गैस, सो इट विल बी 2 and 3 5 गैसेस। तो 2 - 5 = -3 हो गया। R की वैल्यू पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो जब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू यहां रखेंगे तो किलो जूल को जूल में चेंज कर लेंगे, क्योंकि R की वैल्यू में जूल आ रहा है 8.314 में। तो हमने 10^3 से मल्टीप्लाई कर लिया और जूल में कन्वर्ट किया। दिस इज माइनस डेल्टा एन जी इज -3 8.314। टेम्परेचर चूंकि R की वैल्यू में केल्विन में है, सो 27 डिग्री को हम केल्विन में चेंज कर लेंगे, 27 डिग्री को 300 केल्विन। इट विल बी -, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर इन जूल्स। किलो जूल में करना चाहे देन यू कैन कन्वर्ट इट बाय डिवाइडिंग 1000 इंटू किलो जूल पर मोल। हम इस टाइप के क्वेश्चंस और भी करेंगे, आप इसको आज रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, रेगुलरली रखें स्टडीज में। इट इज वेरी कंपल्सरी फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स, ऑल्दो इट इज फॉर एवरीवन, बट स्पेशली फॉर 11th क्लास एवरीडे यू मस्ट रिवाइज। यू रिवाइज दिस डेरिवेशन, यू डू दिस न्यूमेरिकल, ओके। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इससे पहले वाला रिवीजन करना हो तो पहले वाली वीडियोस देखिए और उनको भी लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।